ये डबल लिंक इसलिए कर रहा है ना कि हमारा बाहर वाली नहीं है, ये एक आउटर जैकेट की तरह काम कर सके, हमारा पानी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली जो डाउनवर्ड जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ उसका मेजरमेंट हमको करना है। क्योंकि अगर इसको नहीं देते सिंगल इंजन सेंट्रोमीटर में क्या होता है ना कि पानी जैसे साइड साइड में भी वो निकल जाता है, तो हमारा रीडिंग वो परफेक्ट नहीं आता है, मतलब कि कुछ जा रहा है इधर आता है। सो काम करने के लिए हमारा फिर से उसको मेंटेन किया गया कि इसको डबल इंजन सेंट्रोमीटर डाले गए। इसका ये डायमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर का बाहर वाला का 60, इधर का जो डायमीटर है ना, और उसको से हम लोग को क्या करना है कि इसके अंदर में मतलब पानी का लेवल मेंटेन करना है 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर, मतलब पानी का लेवल। एक बार बताइए हमको, अगर आप इन्फिल्ट्रेशन चेक ही करना था तो क्यों ना हम इसको पूरा पूरा भर देते, आराम से पानी गिनते रहता, हम उसको टाइम मेजर कर लेते है ना। अब एक बात इसका समझिए, हम लोग हाइड्रोस्टेटिक का जानते हैं ना, क्या होता है पानी की जिस पर डिपेंड करता है तो प्रेशर नीचे में पड़ता है। अगर हम लोग इसको बल्क पे ये ऊपर तक भर देंगे तो सरफेस पे एक प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा 10 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का जो भी, तो हमारा पानी का ज्यादा अंदर वो मतलब ज्यादा लोड जा सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए उसको कम कर मतलब उसको भी हम लोग को रीडिंग सही है उसके लिए हम लोग एक परफॉर्मा बना रखे हैं कि 5 सेंटीमीटर ही हम लोग हेड देंगे उसको, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हेड नहीं देंगे। मतलब लोग कहते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर क्यों हेड दे रहे हो, ज्यादा क्यों नहीं दे रहे हो, 5 to 7.5 सेंटीमीटर तक हम लोग हेड दे सकते हैं, तो फिर उससे ज्यादा नहीं देते। तो रीजन इसका यही है क्योंकि हम लोग अगर हम लोग इसका मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, आइदर बारिश के लिए कर रहे हैं या फिर हम लोग पानी अप्लाई करते हैं खेत में, पटवन करते हैं ना उसके लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कितना पानी देते हैं, 10 सेंटीमीटर डेप्थ तो नहीं देते हैं उसमें, हम लोग देते हैं मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर। और इतना भी ना कि मतलब उस पर एक्स्ट्रा मैकेनिकल लोड ना लगे, सिर्फ और हमारा एक नेचुरल जो वो जो ड्रॉपलेट का जो प्रेशर है उसी से नेचुरली मतलब नेचुरल इनफिल्ट्रेशन होना चाहिए, ना कि उसको हम लोग एक प्रेशर के साथ देना है। तो हम लोग वो मेंटेन करेंगे कितना, 5 से 7.5 सेंटीमीटर डेप्थ हम लोग मेंटेन करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से ऊपर हम ऐसे जो इन्फिल्ट्रोमीटर है ना जनरली रखा है कितना ऊपर 10 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए, नीचे बाकी सबको अंदर धंसा दो, लेकिन उसमें भाई बहुत मेहनत लगता है। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये जो ये है ना इसे ग्रॉस ये क्या करता है, इसको पकड़ देते हैं ना, तो इस पे हम लोग रोकते हैं तो चारों साइड में ये मेनली लोड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, अगर हम लोग इसको नहीं देना तो सब तरफ ऐसे से वो मतलब इवनली लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये जो उसका रिम है वो बेंड होने का डर रहेगा, इसीलिए हम लोग ये वो दे देते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे जो किए ना कि उस पर लकड़ी का पटरा रखते इसे ताकि वो रैमिंग करने वाला आसान रहे। अब देखिए इसके बाद क्या चाहिए है, ये क्या किया ना, पहले ही सब चीज मार कर दिया कि इतना हमको जमीन का ज्यादा दसाना है फिर इतना छोड़ना है, वो मार कर दिया ये अच्छा कर दिया, ये भी हम लोग भी करेंगे। ये क्या किया जा रहा है ना, जिसे जो मार्क हमें पता है ना कि ये पानी को अंदर में कितना लेवल हमको मेंटेन करना है उसको ही मार्क कर ले रहा है, पहले ही ऐसे परमानेंट मार्क से मार्क लेता है कि बार बार हम लोग को इसे नापना ना पड़े। ठीक है, वो भी सही। आउटर रिंग में कितना पानी रखेंगे सर, आउटर रिंग और इनर रिंग को ऐसे बोला जाता है कि जनरली मेंटेन करिए बराबर करिए, मतलब 5 रखेंगे 5 से 7.5 तक अंदर भी, हाँ अंदर भी बाहर भी। ठीक है ना, अगर ऐसा भी देखिए अगर आउटर रिंग में हम लोग दूसरा पानी भर देंगे तो वो वाला भी पानी अंदर बीच वाला में चला जाएगा, मतलब कि एक तरह से हम लोग को ये एजम्पशन लेना है कि वो पानी पूरा हमारा क्या वर्टिकली डाउनवर्ड ही जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या किया गया है ना कि
सरफेस पे एक सब एक इवन रूप से ये सब मतलब गिरे उसके लिए एक ज्यादा ऐसे देखिए ये जो करा ये भी गलत कर रहा है इसको क्या करना है ये जो एक हम लोग फोर्स दे रहे हैं तो जो यहां पे परमिटिविटी है उस पे कुछ मैग्नेटिक फोर्स हो रहा कि नहीं हो रहा इसको भी नहीं करना इसको हम लोग क्या करना है हम लोग वहां पे किन जगह एक चल नहीं जाते ना सीम यस सर आप सी वैसे रखो उसमें पानी डाल देते सर सरफेस से करके हम लोग करेंगे ठीक है ना ताकि जमीन का जो वो फोर्स है सारा का सारा फ्लो मेंटेन रहे ठीक है जब आप लोग रियल में रिसर्च करेंगे तो ये सब बहुत माइंड ख्याल रखना पड़ता है तो वहां पे ना प्रोफेसर लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं और सर पहले पानी उसमें क्यों दे रहे बाहर वाला बाहर में पहले नहीं देते मतलब बाहर साफ से पहले नहीं दे रहे देखिए देखिए आपको ये जैसे पूरा भरा है जो सर सब खाली कर दोनों और को एक ही टाइम देना चाहिए हम लोग ऐसा करते थे वहां पे दो लोग एक साथ करते थे जैसे ही थोड़ा वैसे वो अटको मत मेंटेन कर मतलब चालू कर देगा ठीक है इस लेवल तक वहां से लेवल तक लेवल तक लेके ले चलाया उसके बाद फिर क्या करेगा हर एक बार उसको मेंटेन सिलेंडर से डालना होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर टू सेंटर बीम टू कीप अ कांस्टेंट बीम नॉट इन द टाइम एट ईच एडिशन मे अब क्या हुआ पहले हम लोग जो इनिशियल रीडिंग है ना 0-0 टाइम पे 0-0 टाइम में हम 5 मिनट अंदर में 5 मिनट बाहर में बराबर पानी भर लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे इनर वाला को फिर हम लोग छोड़ देंगे वो पानी और वो नीचे की ओर जाने लगेगा फिर क्या करेंगे जब देखें पानी ज्यादा कम हो गया तो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर मेरे पास है उसको सर मेजर करके 1 लीटर या 2 लीटर जितना पानी है ना जितना में हमको वापस वहां तक उस लेवल तक आ जाए वापस ये 5 सेंटीमीटर तक आ जाए देखिए दो काम करना है सबसे पहले कितना पानी डाल रहे हैं वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से वो नापना है और किस टाइम डाल रहे हैं इसमें ये स्टॉपवॉच में वो लिखना है और बाहर वाला मेजर नहीं करना बाहर वाला सिर्फ और सिर्फ जब उसमें पानी डालेंगे तब इसमें भी पानी डालेंगे फिर वो दोनों को बराबर कर देंगे ठीक है ना इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते थे ये जो अंदर जो रिंग है ना इसका हम लोग एक फिक्स डेप्थ मतलब एक दो पॉइंट ऐसे बना लेते थे ये कैसे दो लाइन खींच देते थे ये अपर जो कि 5 सेंटीमीटर पे रहता था ठीक है और नीचे वाला जमीन से 3 सेंटीमीटर पे इन कर दिए थे तो क्या होता था हमारे पास फिर भी हमारे पास एक बफर जो 2 सेंटीमीटर का बचा हुआ है ना तो पानी जैसे ही पीक पे जाता था ना हम इसको भर देते थे भर दिए पूरा पूरा एक साथ एकदम पूरा वो चलनी वो बाल्टी लगाते थे सीधे से चलनी से डाल देते तो क्या हुआ एक साथ में पूरा में पानी भी आ गया और उसी टाइम में हम लोग टाइम भी जोड़ लेते थे मतलब लिख लेते थे हाँ।